हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? पूड़ी और पराठे तो आप बहुत खाए होंगे। आज हम कुछ अलग तरीके से बनाना बताएंगे। फ्रेंड्स, रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस तरीके से आप पूड़ी और पराठा बनाएंगे, बहुत ही हेल्दी, बहुत आसान तरीके से बन जाएगी। और एक इंस्टेंट बनने वाली चटनी आपको बताएँगे बनाना। स्टार्ट करते हैं, चटनी पहले बनाएंगे। बनाने के लिए 3 टमाटर ले लिए हैं, 1 मीडियम साइज़ का प्याज, 2 हरी मिर्च ले लिए हैं, रफली काट लिए हैं। इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। 1 टीस्पून तेल डाल दिए, 1/2 टीस्पून डाल दें जीरा। जीरा हो गया तो इसमें हरी मिर्च प्याज सबको हाफ फ्राई अच्छे से भून लेंगे। प्याज और हरी मिर्च अच्छे से हो जाए तो इसमें 1 टेबल स्पून चना दाल डाल देंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप बनाइए इस तरह से। अब इसमें टमाटर डाल देंगे, टमाटर को भी अच्छे से पका लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, हाफ फ्राई करेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून डाल देंगे चिली पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। 2-3 मिनट के लिए अच्छे से इसको पका लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बस देख लीजिए इसी तरह से इसे पका लेंगे। अब इसको रख देंगे, देख लीजिए इस तरह से एक बार ढक देंगे जिससे अच्छे से पक जाए। अब इसमें धनिया की पत्ती डाल देंगे। अब ये चटनी बनके कंप्लीट हो गया। अब इसको रख देंगे ठंडा होने के लिए गैस का फ्लेम बंद करके। अब यहाँ पे 3 आलू, कच्चा आलू ले लिए हैं। चटनी बनाने के लिए 3 कच्चा आलू ले, इस तरह से छील लेंगे आलू को, पहले अच्छे से साफ कर लेंगे छील के। 3 आलू छील गया। अब इसको कद्दूकस कर लेंगे इस तरह से, अच्छे पानी में करेंगे, मोटे साइज से नहीं करेंगे, पतले साइज से इस तरह से कद्दूकस कर लेंगे। सारा आलू ऐसे कद्दूकस करके तैयार करेंगे, देख लीजिए इस तरह से कद्दूकस हो गया है, अच्छे से हो गया है कद्दूकस। अब 2-3 पानी अच्छे से धुल लेंगे इस तरह से, अच्छे से 2-3 पानी धुल के निकाल लेंगे। उसके बाद में इसको एक छन्नी में रख देंगे जिससे सारा पानी अच्छे से निकल जाए, सारा पानी अच्छे से निकाल लेंगे, सूख जाए। इसको नाप लेंगे कितना है, ये एक कफ में ऐसे रख के देख लेंगे कितना हो गया है, 1 कफ ये हो गया है। अब इसको साइड में रख देंगे, 1 कफ है अंदाज से। अब 1 टीस्पून तेल डाल देंगे, बहुत कम तेल डालेंगे, ऐसे फैला देंगे तेल डाल के। तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे, जब गर्म हो जाए इसमें 1 टीस्पून जीरा डाल देंगे, जीरा डाल के अच्छे से भून लेंगे। 2 बारीक कटी हरी मिर्च डाल देंगे, हरी मिर्च को भी अच्छे से भून लेंगे। अब जो कद्दूकस करके आलू रखे थे, आलू इसमें डाल देंगे इस तरह से, आलू डाल के 1-2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। अच्छे से भूनने के बाद इसमें 2 कप पानी डाल देंगे, जिस कप से हम आलू लिए थे उसी से मेजरमेंट करेंगे, 2 कप पानी डाल देंगे इस तरह से। पानी डालने के बाद 1-2 मिनट तक पकाएंगे, जब ये अच्छे से पकने लग जाए, जब अच्छे से पकने लग जाए तो इसमें कुछ और मसाला डाल देंगे। मसाले में बहुत बेसिक सा मसाला डालेंगे, इसमें काली मिर्च 1/2 टीस्पून डाल देंगे, यानी 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून डाल देंगे तिल, 1 टीस्पून डाल देंगे चिली फ्लेक्स। आप बच्चों के लिए बना रहे तो स्किप कर सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक। मसाला इसमें कुछ नहीं मिला है, बस थोड़ा सा खड़ा मसाला ऐसे डाल दिए हैं। अब इसमें 1 टेबल स्पून डाल देंगे सूजी, सूजी से इसमें बहुत अच्छा क्रंची टेस्ट आता है, इसीलिए इसमें थोड़ा सा सूजी डाल देंगे। सूजी डाल के बनाएंगे तो इसमें लॉन्ग समय तक कुरकुरापन बना रहता है। इस तरह से अच्छे से 3-4 मिनट तक इसको पकाएंगे, इस तरह से बराबर चलाते हुए पकाएंगे, ढक के नहीं। अब इसमें धनिया की पत्ती खूब ढेर सारी डाल देंगे, बहुत टेस्टी इस तरह से बनेगा। इस तरह से धनिया की पत्ती डाल के थोड़ा सा चला लेंगे अच्छे से। अब गैस का फ्लेम बंद करके इसमें 1 टीस्पून डाल देंगे नींबू का जूस, इससे बहुत अच्छा लगता है, आप नींबू का जूस ज़रूर डालें। नहीं तो आप अगर नींबू का जूस ना हो थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी यहाँ डाल सकते हैं। अब ठंडा होने के लिए निकाल लेंगे, ठंडा होने के लिए इस तरह से इसे एक थाली में निकाल लेंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा तब अपना चटनी पीस लेंगे। चटनी ठंडी हो गई है अच्छे से पूरी तरह से,
टमाटर प्याज जो बना के रखे थे बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया। अब इस मिक्सी जार में रख के थोड़ा सा पानी डाल के पीस लेंगे। पीस के कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हैं कितना अच्छा चटनी बन के तैयार हुआ, बहुत जल्दी बनने वाला चटनी। अब इसको साइड में रख देंगे। इधर आलू बिल्कुल ठंडा हो गया, आप देख सकते हैं आलू बहुत अच्छे से ठंडा हो गया। अब इसमें हम आटा डालेंगे, गेहूं का आटा। 3 कप आटा पड़ेगा। आप 3 कप 3 आलू लिए तो इसमें 3 कप आटा डाल सकते हैं। इस तरह से पानी का यूज इसमें बिल्कुल नहीं करेंगे, जितना आटा इसमें आ जाए ऐसे थोड़ा थोड़ा डालते हुए आटा को गूंथेंगे। जितना आ जाए उतना डाल के एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। थोड़ा सा आप इसमें नमक डाल देंगे या स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब अच्छे से गूंथ लेंगे आटा। इस तरह से आटा गूंथ के तैयार करेंगे। फ्रेंड्स ये पूड़ी बहुत टेस्टी बनती है। आप कहीं सफ़र में जा रहे हैं तभी इसको लेके जा सकते हैं, ये जल्दी ख़राब नहीं होती है पूड़ी। इस तरह से आटा बिल्कुल सॉफ्ट ऐसे गूंथ लेंगे। आटा गूंथ के कंप्लीट हो गया है, इसको डिवाइड कर देंगे इस तरह से, इसको साइड में रख देंगे। अब यहाँ हम बराबर से लोई काट लेंगे पूड़ी बनाने के लिए। इस तरह से आप बराबर से लोई काट लीजिए बनाने के लिए पूरी छोटी छोटी, जैसे आप बनाना चाहें। पूरी बना रहे हैं तो थोड़ा छोटा ही बनाइए। इस तरह से सूखा आटा लगा लेंगे अच्छे से। अब बेल देंगे, इस तरह से बेल लेंगे। अच्छे से बेल लेंगे इस तरह से, ना बहुत ज़्यादा पतला बेलेंगे ना बहुत ज़्यादा मोटा, ऐसे बेल के कंप्लीट करेंगे सारी पूड़ी। बेल के कंप्लीट हो गया। अब हम पराठा के लिए लोई बनाएंगे। लोई थोड़ा बड़ी बनाएंगे क्योंकि पराठा बना रहे हैं। सूखे आटे लगा के अच्छे से बेल लेंगे पराठा। पराठा थोड़ा बड़ा बनाएंगे इस तरह से। बन के कंप्लीट हो गया है। अब हम गैस पे कढ़ाई रख दिए थे, तेल डाल के तेल चेक करेंगे गर्म हो गया है कि नहीं, इस तरह से चेक कर लेंगे। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब इसमें पूड़ी डालेंगे। तेल गर्म हो गया अच्छे से, पूड़ी डाल के सेकेंगे, इस तरह से छान लेंगे। फ्रेंड्स ये पूड़ी बनाना बहुत आसान है, आप बहुत जल्दी बना सकते हैं इसको। आप कहीं सफ़र में जा रहे हैं तो इसको बना के ले जा सकते हैं बहुत आसानी से, वो जल्दी ख़राब नहीं होता है। इस तरह से बना लेंगे पूड़ी, ऐसे ही सेम प्रोसेस से सारी पूड़ी छान लेंगे। इस तरह से आप बच्चों के लंच में भी दे सकते हैं, आलू उबालने की कोई झंझट नहीं, बहुत आसानी से बना सकते हैं पूड़ी। ये पूड़ी अच्छी बहुत लगती है, ये पूड़ी सबको बहुत अच्छी लगती है, बड़े हो या बच्चे, ये पूड़ी सबको बहुत अच्छी लगती है। आप इस तरह से बनाएंगे, ऐसे ही सारी पूड़ी छान लेंगे। छान के कंप्लीट हो गया। अब पराठा के लिए बनाएंगे। तवा रख देते, गर्म हो गया, इस तरह से पराठा बनाएंगे। पलट लेंगे इस तरह से, पहले ऑयल नहीं लगाएंगे, अच्छे से पहले बना लेंगे पराठा। देख लेंगे ऐसे दोनों साइड से, जब अच्छे से पक गया इस तरह से ऐसे पका लेंगे रोटी की तरह बिल्कुल। ऐसे किचन टॉवल से अच्छे से दबा के इसको फुला लेंगे। अगर आप इसमें घी लगाना चाहते हैं तो घी लगा सकते हैं, ऐसे खाना चाहते हैं तो ऐसे खा सकते हैं। बिल्कुल कम ऑयल में आप बनाना चाहें तो बिल्कुल ना ऑयल लगाए, इस तरह से आप खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। आप सर्व करेंगे चटनी बना के जो कंप्लीट किए थे, वो चटनी है बहुत टेस्टी चटनी बनी। दही में थोड़ा सा नमक डाल रहे हैं, थोड़ा सा इसमें धनिया की पत्ती डाल दिए हैं। इस तरह से बनाएंगे फ्रेंड्स। मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह से बिल्कुल आसान रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। अच्छी लगी इस तरह से देख लीजिए कितना हेल्दी कितना अच्छी पराठा बन के तैयार हुआ है, बहुत जल्दी बनने वाला पराठा है। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक